हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और आज का टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट का संबंध मैट्राइसेस से भी है, आपको मालूम होगा, लेकिन डिटर्मिनेंट इंडिपेंडेंटली एक टॉपिक है जिस पे अभी हम चर्चा करते हैं। तो डिटर्मिनेंट के लिए आपको थोड़ा सा मैट्राइसेस का भी नॉलेज हो कि मैट्रिक्स क्या होते हैं, तो आप मैट्रिक्स के पिछले मेरे वीडियोज़ देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैट्राइसेस के सारे वीडियोस की लिंक मिलेगी, तो आप मैट्रिक्स भी समझ सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट के लिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो सबसे पहले हम पहली सबसे फर्स्ट चीज डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2x2, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2x2। 2x2 का डिटर्मिनेंट अगर होगा तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये बताया है इसमें ए बी सी डी। तो सबसे पहले इस पर डिस्कशन कर लें। तो आपको दिस इंटू दिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दिस इंटू दिस ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी, इस तरीके से करने से आपको 2x2 का डिटर्मिनेंट मिलेगा। एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं जिससे आपको और क्लियर होगी पिक्चर। 1, 2, 3, 1 ये ले लिया आपको, बहुत आसान है। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3, ये इसका वैल्यू है। तो इसका वैल्यू है 1 माइनस 6 माइनस 5। ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये मॉड्यूलस नहीं है। जैसे मॉड्यूलस में हम क्या सोचते हैं कि मॉड्यूलस होगा तो वो पॉजिटिव ही होगी वैल्यू, तो ये निशान जो है इसके, जो इसके साइन है, वो ऐसे दो स्ट्रेट लाइन्स हैं, ऐसा और ऐसा जो है ये मैट्रिक्स के लिए रिजर्व है। ये वाला आप यूज़ नहीं करेंगे डिटर्मिनेंट के लिए, ये भी यूज़ नहीं करेंगे, ये भी यूज़ नहीं करेंगे डिटर्मिनेंट के लिए। जो एक तरीका है वो सिंपल, ऐसी दो वर्टिकल लाइन और इनके बीच में एलिमेंट्स। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, डिटर्मिनेंट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कोई सोचे, ये एक एग्जाम्पल 1 था, अगर कोई बोले कि आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो 2, 1, 3, 4, 2, 0, तो इसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ये डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो डिटर्मिनेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो ये याद रखना है, ये नॉट पॉसिबल है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दिस डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अब दूसरी बात सुनिए कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है कैपिटल ए इज इक्वल टू, उसके एलिमेंट्स हैं कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। आप साथ साथ में बने रहेंगे, हम आखिरी तक अच्छे से इसको समझ लेंगे, 2x2 से लेकर के 3x3 तक, और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको डिटरमिनेंट की हर चीज़ आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर होगी। और जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे, पूरे सारे वीडियोस देख लेंगे डिटरमिनेंट और मैट्राइसिस के, तो आई होप सो कि आपका जो कोर्स कंटेंट है क्लास 12th का हो, या आपके लिए जेई के लिए यूज़फुल हो, या और कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जैसे IPM वगैरह, तो उनमें भी इसका जहाँ जहाँ इसका यूज़ है। जो लोग CA की तैयारी कर रहे हो तो CA फाउंडेशन में भी मैट्राइसेस है, डिटर्मिनेंट्स है, तो उनके भी काम की चीज़ है। तो ये एक मैट्रिक्स है ए, तो आप साथ में बने रहें, देखते रहें। और आप चैनल अगर लाइक नहीं किया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसका ए एक मैट्रिक्स है, इसका ये भी मैट्रिक्स है। अब जब मैं इसको डिटर्मिनेंट लिखूंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो दिस इंटू दिस, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस दिस इंटू दिस, तो ये भी माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वो माइनस की वजह से क्या बन जाएगा आपका, ये प्लस। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज व्हाट, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। तो ये सेकंड एग्जांपल था, ये बिल्कुल आसान है। आपने देखा कि 2x2 का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना हमारे लिए कितना आसान होता है। अब अगर छोटी छोटी सी मेरी बातें हैं उनको आप ध्यान से सुन लें।
उन बातों को अगर आप सुन लेंगे तो आपके लिए प्रॉपर्टीज़ भी याद रखना बहुत आसान होगा और आगे की चीज़ भी हम आसानी से कर सकेंगे। तो दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, कोई मैट्रिक्स है मान लीजिए 2, 1, 3, 4 है, एक कोई मैट्रिक्स है, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4, 2, 6, 8, सारे एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई होंगे। अब अगर आप इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो इसका डिटरमिनेंट आएगा डिटरमिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू, यानी इसका डिटरमिनेंट 4, 2, 6, 8, इसकी वैल्यू हो गई आपकी 8 4 जा 32, 32 माइनस 6 2 जा 12, ये वैल्यू आई है आपकी 20। और अगर आप इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो इसका डिटरमिनेंट आपके पास आएगा 2 4 जा 8 -3 × 1, 8 माइनस 3 कितना हुआ 5। अगर आप डिटरमिनेंट ऑफ 2 × a देखें और 2 टाइम्स डिटरमिनेंट a देखें, देखिए अगर आप इसको 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, इसके बराबर नहीं आएगा, तो ये इसके बराबर नहीं आएगा। तो फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे, तो अभी किसके बराबर आएगा फिर ये इसके बराबर आएगा, 2 टाइम डिटरमिनेंट ऑफ 2 टाइम्स a इज इक्वल टू 2² × डिटरमिनेंट ऑफ a, ये इसके बराबर आएगा। आप देख भी सकते हो ये इसके बराबर आया है, ये किसके बराबर आ गया 2² × डिटरमिनेंट ऑफ a। अगर इसको 2² से मल्टीप्लाई कर देते तो ये क्या हो जाता 5 4 जा 20। इसी तरीके से मैं आपको और ख़ास बात बताता हूँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी हमारे लिए रहेगी कि अगर कोई आपके पास डिटरमिनेंट है, जैसे आपका 3/3 का डिटरमिनेंट है, ये मैंने कौन सा लिया है 2/2 का, अगर आपके पास 3/3 का डिटरमिनेंट है और उसको अगर आप किसी नंबर लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर है, जैसे इसमें 2² आया था तो इसमें कितना आएगा, उसमें लैम्डा क्यूब आएगा, क्योंकि इसकी इसका ऑर्डर कितने का है 3/3 का। तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए, लैम्डा क्यूब डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर ये ए एन बाय एन ऑर्डर का है तो ये वैल्यू आएगी लैम्डा टू द पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये सब सीखने के लिए आप साथ में बने रहें, हम इन सब पे डिस्कशन करने वाले हैं आज, लेकिन अभी कुछ खास चीज़ों पे हमने बात की, तो जो खास बातें हैं उनको मैं बॉक्स में नोट कर रहा हूँ, आप भी उनको बॉक्स में रखिएगा। अब देखिए अगर किसी का डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा तो उसे एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स कहते हैं, उसे कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आप एक टाइप भी ध्यान रखिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स, ये दोनों मिले जुले हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, सिंगुलर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ए को एक सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, अ सिंगुलर मैट्रिक्स, कब सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 0, अगर डिटरमिनेंट ए क्या हो जाए 0 हो जाए तो उसे कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो एक आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है कि आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए आपको क्वेश्चन देते हैं इसके ऊपर, तो फॉर एग्जांपल फॉर व्हाट लैम्डा, एक क्वेश्चन दे दिया आपको फॉर व्हाट लैम्डा फॉलोइंग मैट्राइसेस आर सिंगुलर मैट्राइसेस। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए ए कैपिटल ए एक मैट्रिक्स है लैम्डा 1, 2, 3, तो अगर ये सिंगुलर है तो ए बीइंग सिंगुलर डिटरमिनेंट ए क्या होगा 0,
और डिटर्मिनेंट ए जीरो होगा, तो दिस इंप्लाइज इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे और उसको जीरो से इक्वेट कर देंगे, तो ये जाएगा लैम्डा 1, 2, 3 इज इक्वल टू जीरो। अब आप वही मेथड तो सिंपल है, दिस इंटू दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा 3 λ - 2 इज इक्वल टू जीरो, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2/3। तो ये आपका दोस्तों आंसर हो गया। इसमें एक और अच्छी चीज़ है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। बी एक कोई दूसरा मैट्रिक्स है, मान लीजिए मैट्रिक्स के लिए ये भी और ये भी दोनों तरह के नोटेशन यूज़ करते हैं, आप बिल्कुल आराम से समझ लें। लैम्डा प्लस टू, और यहाँ पे क्या ले लिया हमने, यहाँ पर ले लिया है लैम्डा, देख लें आप बहुत अच्छे से, आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ ले लिया मैंने 1, यहाँ भी ले लिया है मैंने 1। अब हमारे पास ये सब क्वेश्चन तो सेम है कि फॉर व्हाट लैम्डा फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना होना चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ बी जीरो होना चाहिए, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी जीरो होगा, तो ये हो जाएगा लैम्डा प्लस टू, लैम्डा 1, 1 इज इक्वल टू जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो लैम्डा प्लस टू इंटू 1, लैम्डा प्लस टू इंटू 1 मीन्स लैम्डा प्लस टू माइनस लैम्डा इंटू 1 इज लैम्डा, क्या ये जीरो होगा, ये देखो जीरो नहीं होगा, अगर ये लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, टू कैनॉट बी व्हाट, जीरो, टू कैनॉट बी जीरो, तो लैम्डा कैनॉट बी डिटरमिन्ड, तो आंसर क्या होगा आपका, लैम्डा कैनॉट बी डिटरमिन्ड, लैम्डा नहीं निकल सकता, लैम्डा की वैल्यू नहीं निकल सकती, इसका आंसर है कि लैम्डा कैनॉट बी डिटरमिन्ड। अब मैं इसका सिंगुलर का तीसरा क्वेश्चन बताता हूँ, इसको भी बहुत आराम से देखिए, ये छोटे क्वेश्चन से बड़े इफेक्टिव हैं और ये इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप, अगर आपके पास इस तरीके का है मैट्रिक्स, इसको सी नाम देते हैं हम, 2 λ λ2 1, ये क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन वही है कि लैम्डा निकालना है, कब निकालना है लैम्डा, जब ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो डिटरमिनेंट ऑफ सी क्या होगा, जीरो, तो डिटरमिनेंट ऑफ सी निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ सी कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ सी, तो दिस इंप्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ सी 2 λ λ2 1 इज इक्वल टू जीरो, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 λ और ये हो जाएगा -2 λ जीरो, तो ये क्या हो रहा है, ये तो जीरो इक्वल टू जीरो हो रहा है, इसका मतलब ये लैम्डा पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, जैसे इसका आंसर था ना, ये इसका आंसर था, वैसे इसका आंसर ऐसा होगा दोस्तों, लैम्डा आप कुछ भी ले लो, तो लैम्डा बिलोंग्स टू आर, लैम्डा इज अ रियल नंबर, आर का मतलब होता है ये ओपन इंटरवल -∞ to +∞, तो ये लैम्डा की वैल्यू हो गई कि लैम्डा बिलोंग्स टू व्हाट, लैम्डा क्या होना चाहिए, एक रियल नंबर होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 2.5, √3, √7, 1/7, 7/2, एनीथिंग, कुछ भी पॉसिबल है, आप कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये आपका आंसर ट्रू होगा। तो एक सिंगुलर मैट्रिक्स पे बेस्ड अपन ने बात समझ ली। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं दोस्तों, जिसमें आपको कुछ सॉल्व करना रहता है और एक्स की वैल्यू निकालनी रहती है, तो जैसे अब मैं दो क्वेश्चंस में इसको डिवाइड करता हूँ। क्वेश्चन 1, फॉर व्हाट एक्स, एक एक्स की क्या वैल्यू होगी, फॉर व्हाट एक्स डिटर्मिनेंट ऑफ x1, 2, 3 इज इक्वल टू 4, तो आप क्या करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 3x - 2 × 1 इज इक्वल टू कितना लेंगे, 4, 2 को उधर भेज देंगे, 4 + 2 = 6 हो जाएगा, 3x = 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, और यही आपका आंसर बन जाएगा, यही आपका आंसर बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन है,
फॉर व्हाट एक्स, एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए, देखिए ध्यान से देखें आप, एक्स वन वन सॉरी एक्स भी ले लें, यहाँ यहाँ भी एक्स ले लें और यहाँ पर ले लें आप ले लें यहाँ पे 4 1 1 4। अब आप देखो दोनों तरफ, अगर आप ऐसे कंपेयर करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 4, लेकिन इसमें एक वैल्यू ज़्यादा भी आएगी। अब आप देखो कैसे आएगी ज़्यादा, तो इसको सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1, 4 स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1, ये 1 से 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी प्लस माइनस 4। तो ये आपका आंसर, अगर डायरेक्टली देखते हैं हम तो आंसर कितना आता है आपके पास, एक्स की वैल्यू 4 आ रही है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा कैलकुलेट किया तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको मैं प्रॉपर्टी नोट करा देता हूँ और आप क्वेश्चन इसका बहुत आराम से देख सकते हैं और बिल्कुल देखिएगा। तो क्वेश्चन ऐसा, यह प्रॉपर्टी ऐसी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो कीप दिस इन माइंड। तो आज की बात है, हमने क्या क्या कर लिया आज की क्लास में, तो 16 मिनट्स हुए और काफ़ी कुछ हम करके बैठ गए हैं कि एक 2x2 का डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम ए डी माइनस बी सी, ये एक चीज़ सीखे हैं हम। दूसरी बात आपने देखी कि अगर मैं के से ए को मल्टीप्लाई करूँगा, ये आपको थोड़ा ध्यान ही रखना पड़ेगा, एक के नंबर है या लैम्डा नंबर लिया था हमने, लैम्डा से ए को मल्टीप्लाई किया, ए का ऑर्डर कितने का है, अगर 2x2 का है तो बाहर क्या आएगा, वो ऐसा बन के आएगा लैम्डा स्क्वायर डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा, ये भी 2x2 ऑर्डर का है, लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, चाहे तो आप फिर लिख भी सकते हैं, लेकिन अगर ये n का है, या बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, n बाय n का है तो यहाँ पर क्या आएगा, लैम्डा टू द पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a, यहाँ भी n बाय n ऑर्डर का होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। फिर आपने देखा कि अगर किसी का डिटरमिनेंट जीरो हो, अगर डिटरमिनेंट a जीरो हो तो a को क्या कहेंगे आप, a को कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर, इसको नॉन इन्वर्टिबल भी कहते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे मैट्राइसेस के केस में, तो इसको कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। फिर एक प्रॉपर्टी हमने डिटरमिनेंट की देखी है, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो ये मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ये था, दिस वॉज ऑल अबाउट 2x2 डिटरमिनेंट्स, 2x2 डिटरमिनेंट्स के जितनी भी बातें हम कवर कर सकते थे वो मैंने सारी बातें कवर की इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप 3x3 का डिटरमिनेंट सीखने के लिए तैयार रहें, तब तक के लिए आप चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे आगे की वीडियो देखेंगे, मेरा प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं आप, और मैं आपका साथी डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी हूँ, और ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।